सुबह के 5 बज रहे हैं। माइक मैं लेके आना भूल गया हूँ, ऊपर रखा हुआ है। और मैं जस्ट अभी मोटू को लेने जा रहा हूँ। मोटू तो नहा धो लिया है, लेकिन मैं नहाने में लेट हो गया हूँ, और जल्दी से अभी नहाऊँगा। और फिर मोटू कह रहा था कि वो गेट रेडी विद मी वाली वीडियो बनाएगा, गेट रेडी विद अस। तो जल्दी से मैं जाऊँगा, अभी नहाऊँगा, नहाने के बाद हम तैयार होके और फिर उसके बाद निकलेंगे आज हमारे इवेंट के लिए। तो चलो जल्दी से चलते हैं, मोटो लेट हो जाएगा। मेरे को स्कूटी भी साफ़ करनी है अभी भाई, थोड़ा सा टाइम और मैं मोटू के घर के पास आ चुका हूँ। अब देखो ये मोटा आएगा फुदकते हुए। आ जा आ जा आ जा आ जा। लोग देखेंगे, पता नहीं है सुबह सुबह पागल कौन कैमरा उठा के खड़ा हुआ है स्कूटी लेके। वैसे तो 5 बजे बहुत कम ही लोग उठते हैं, पहले के टाइम पे बहुत लोग उठते थे, हेल्थ कॉन्शियस। मच्छर आ रहे हैं यार, जल्दी आ जा, बंदर तो कहाँ। भाई बुलाता तो ऐसे है जैसे पता नहीं अभी टपकेगा, अभी आएगा सामने से। मोटू कहाँ है? मोटू यहाँ है। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू निक्श्री व्लॉग्स। तो सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं जस्ट अभी अपने घर से आई हूँ। काकू मेरे को लेने के लिए आया यहाँ पे, बिल्कुल मेरी गली के बाहर। आज इवेंट वाला डे है और काकू भी मेरी वीडियो बना रहे हैं, मैं भी काकू की वीडियो बना रही हूँ। ये आ गया बंदर। गुड मॉर्निंग बंदर। जस्ट अभी काकू मेरे को लेके आया है। तबीयत कल से बेटर कह सकते हैं, लेकिन सर में दर्द, यहाँ पूरे में, नोज में, यहाँ पे सारे में दर्द हो रहा है, अंदर दांतों में भी दर्द हो रहा है। और हमने बताया था आपको वीडियो का वॉइस ओवर करना है, तो अभी जस्ट यहाँ पे स्टूल लगाए हैं और ये खड़ा काकू। वीडियो का वॉइस ओवर करना है, फिर उसके बाद सारिका के घर पे जाने, रेडी होने। और मैं सुबह सुबह सिर भी धोया है, तो ठंडे सिर में ही मैं स्कूटी पे आई हूँ। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा लगी है, तो तबीयत बिगड़ने के सारे काम कर रही हूँ मैं, लेकिन सारे काम इम्पोर्टेंट भी है। एक बार जल्दी से वॉइस ओवर कर लेते हैं। ओके डॉकी, यस, फिर आपसे मिलते हैं। भाई वीडियो एडिट कर ली है और वॉइस ओवर भी कर लिया हमने, और मोटे की हालत आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी सो के उठा है। ऑल दो ये नहा धो के, और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है यार, बुखार हो रहा है मोटू को, कहीं हमें गूगल ऑफिस जाने का प्लान ड्रॉप ना करना पड़े। नहीं करते नहीं करते, मैंने चलते 500 हैं। रुपए लगाए अपनी बैग्स में और दर्द अलग है। पता है कितना दर्द हुआ था मेरे को पैरों पे, पहली बारी कराई, मेरे को पता नहीं था इतना दर्द होता। उन्होंने ऐसे कर दिया, रोना आ गया मेरा, ओले। वो भी जुकाम में। गूगल वालों आ रहे हैं, हम मिलते हैं यार थोड़ी देर में आपसे। आपने बताया पहले, आप बोल रहे हो गूगल वाला, आपने बताया था गूगल ऑफिस जाएंगे आज, पहले बता दिया पक्का। तो चलो यार चलते हैं, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जल्दी से नहाने जा रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:24, हम बैठे थे 5:30 पे वीडियो रिकॉर्ड करने। आपको पता है क्या हुआ, मैं ना नहा रही थी, काकू मेरे को 4:30 बजे फोन कर रहा, लगातार 6-7 फोन, 10 फोन के आसपास कर दिए। मैं एकदम से बाहर आई, मैंने बोला, मैंने कहा हेलो, कहता ओए मोते उठ जा भाई, 10-10 फोन कर ले। मैं कहा 4 बजे मैंने फोन करके उठा तो दिया था, आप कौन से, आपने मेरे को कब उठाया, 4 बजे बात भी हुई थी हमारी। अच्छा, मेरे को तो लगा 4:30 बजे मैं ही आपको उठा रहा हूँ। मैं, ये भगवान, वरना मैं 5 बजे आ जाती, 5:20 पे आई मैं। यूँ कह रहा हूँ, आपने मेरे को उठाया भी था। अच्छा, मेरे को याद ही नहीं था यार, मेरे साथ है ना, पता है ये बहुत होता है, जैसे मैं ना बहुत गहरी नींद सोता हूँ, तो मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर मान लो किसी ने मेरे को फ़ोन करके 6 बजे अगर मान लो उठा भी दिया, तो उसके बाद अगर मैं 6:30 बजे उठूंगा ना, तो मेरे को ये भी याद नहीं रहता कि किसी का मेरे से पहले फ़ोन आ चुका और मेरी बात भी हो चुकी है। और रात को ना काकू बोलता कि मम्मी कह रही है, उसको बोल दियो कि ना वो हैवी डोज लेके सोएगी जुकाम की, तो उसकी ना मतलब नींद खुल जाए, कभी वो सोती रह जाए और फिर तुम्हारा टाइम निकल जाए। और मैं पहले उठ गई और ये बोल रहा, मेरे को 4 बजे बात। ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है फोन में, इसलिए मैं सुना सकती हूँ। मैं कह रहा हूँ यार 4:30 बजे, देखो कल हमारी बात हुई थी कि भाई 4:30 बजे तक मतलब उठना है, 4:30 हुई थी, अभी अब पलट जाए तो बात अलग है। कोई नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कॉल की सुनाऊंगा आपको। मिलते हैं यार आपसे थोड़ी देर में, लेट हो रहे हैं हम बहुत ज्यादा। मैं भी सारिका के घर से आ रही हूँ मेकअप करवा के, काकू के रिएक्शन देखते चलो। लग रहा
गाइज मैं जस्ट अभी सारिका के घर से रेडी होके आई हूँ। कपड़े यहीं पे ही चेंज किए हैं, लेकिन जो मेकअप था थोड़ा बहुत वो वहां से कर दिया और काफी सही हुआ है, जो मैं खुद से कभी भी नहीं कर सकती थी। काकू रेडी हो चुका था और ये था बैग जो हमें लेके जाना था। इसमें हमने रखा है क्या, ये माइक है, पॉलीथीन है और टिश्यू पेपर रखे है, बेल्ट वगैरह है। टिश्यू पेपर मेरे को नोजी हो रहे हैं ना, वो नोजी हो रही, कोल्ड हो रहा है, उसके लिए टिश्यू पेपर रखे हैं। तो बहुत ज्यादा लेट हो रहा है मेरे को, बस अब शूज पहने, शूज पहन के डायरेक्टली निकलते हैं और फिर मेट्रो में या फिर आगे जाने के बाद आपसे मिलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में बहुत ज्यादा लेट हो गया। हमें निकलना चाहिए था, 15-20 मिनट हम लेट है और मेट्रो स्टेशन पे छोड़ने के लिए भी हमें कोई नहीं है, तो पैदल जाना पड़ेगा वहां तक भी, पीरियड्स ऊपर से, जुकाम ऊपर से चल के, और मेकअप और हो गया तो मेरे को लग रहा मैं नोजी कैसे निकालूं। तो चलो चलते हैं, जाके आपसे मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। तो यार जस्ट अभी हम हुड्डा सिटी सेंटर पे उतरे हैं, जिसका अब नाम मिलेनियम हो चुका है, और बहुत लेट हो गया है। 10:30 बजे हमें पहुंचना था और टाइम हो गया है 10:44 और अभी यहाँ पे 15 मिनट ऊपर हो गया ऑलमोस्ट। और मेरे को बहुत ज्यादा कफ, कोल्ड और फीवर हो रहा है, पूरी बॉडी पेन कर रही है, हालत खराब थी। यूं लगा लो आधी मेट्रो के अंदर तो हम खड़े हुए आए हैं, मतलब इस रूट के ऊपर तो ऑलमोस्ट पूरी जगह खड़े हुए ही आया था। मेरे को बिठा दिया था उसने अपनी सीट पे, लास्ट में एक पंडित जी थे वो उन्होंने दिया, पंडित जी थे लास्ट में, उन्होंने हमें अपनी सीट दे दी थी। मोटू को देख के, मोटू की तबीयत मतलब थोड़ी खराब लग रही थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा आप बैठ जाओ, तो थैंक यू सो मच उन अंकल को भी। बहुत सारी स्ट्रगल के बाद फाइनली पहुंच गए हम गूगल ऑफिस, ये रहा, अब अंदर जाके आपसे मिलते हैं। ये रहा, अब अंदर जाके आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम गूगल ऑफिस के अंदर हैं और यहाँ पे फायर अलार्म बज गया, पता नहीं किस वजह से, और बहुत तेज कानों में चुभने वाली आवाज आ रही है, आप सबको सुनाई दे रही होगी। देखो और बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं जल्दी से अब अंदर जाता हूँ, सारे वेट कर रहे हैं, चलो चलते हैं। गाइस फाइनली हियर वी आर एट गूगल ऑफिस इंडिया। बाहर हमने आपको दिखाया था कि हम आ रहे हैं अंदर, तो सीधा सीधा रोड आके हमने यहाँ से एंट्री ली, देन वी गॉट दिस स्लिप, मेरे नेम की अलग थी, काकू के नेम की, एक मेरे नेम की, नेम गलत लिखा है इन्होंने, यहाँ ब्रैकेट में मोटू लिख देते और वहाँ पे काकू लिख देते। लेकिन जो नेम आपने सबमिट कर रखा था वो वही दिखाएंगे। फिर यहाँ से हमारी एंट्री हुई, चेक इन हुआ, आफ्टर दैट लिफ्ट से हम ऊपर आए एंड इस गेट से हमारी एंट्री हुई। इस गेट से हमारी एंट्री हुई, मैं अंदर का आपको दिखा देती हूँ। तो अवंतिका, समृद्धि सब यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, बट आई गेस अलाउड नहीं था, तो यहाँ से हमारी एंट्री थी, बोल रहे हैं अलाउड नहीं था लेकिन हम शूट कर रहे हैं। यहाँ से एंट्री थी एंड इस रूम में देखो, ये देखो यहाँ पूरा बोर्ड लगा हुआ है, यूट्यूब शॉर्ट्स, वेलकम क्रिएटर टू यूट्यूब शॉर्ट्स। यहाँ पे सिटिंग का एरिया है, यहाँ मेरे लेटने के लिए जगह है, यहाँ आपके लेटने के लिए जगह है, आओ अंदर कुछ, हाँ कम ना खाएंगे कुछ। तो यहाँ से हम आए थे राइट, और यहाँ इस हॉल में हमारे मीटिंग होने वाली है शायद, है ना, मैं तो श्योर भी नहीं हूँ क्या होने वाला है। आओ ना, आओ आओ, चलो हियर वी गो। यहाँ पे हमारे मैनेजर बैठे हुए हैं एंड उन्होंने हमारे लिए खाने का इतना सब अरेंज किया, थैंक यू सो मच। दीज आर चिकन सैंडविच, कपकेक, यूट्यूब शॉर्ट्स का उसमें लोगो बना हुआ है, एंड आपके आपके क्यूकम्बर चीज सैंडविच, आपके भी काम का नहीं है अभी, आप भी नहीं खा रहे, एंड जूसेस, एंड यहाँ पे स्पेस है फॉर ऑल द क्रिएटर्स। थोड़ा शायद आने में लेट हो गया सबको इस वजह से, स्पीकर्स एंड बैग्स कंधे पे रखे, गाने सुनेंगे। हाय अंतिका, पूरी फुटेज ले लेते हैं ये YouTube शॉर्ट्स के लिए, पे और भी है शॉर्ट्स के लिए, YouTube शॉर्ट्स, शॉर्ट्स क्रिएटर काफ़ी अच्छा है, शॉर्ट्स क्रिएटर ये भी काफ़ी अच्छा है, वेरी नीट एंड क्लीन। वैसे तो 10:30 तक टाइम था, आना चाहिए था, बट आई गेस अभी कितना हो रहा है, 11:30 हो गए, 11:20 एंड वी आर वेटिंग के सब आ जाए,
तब आगे का कुछ कंटिन्यू यस होगा एंड वी डोंट नो कि अभी यहाँ पे क्या होने वाला है। अवंती का शूट कर रही है कि हमारे मैनेजर हमें कॉफी पिलाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो मैं अवंतिका को मैनेजर को सबको शूट कर रही हूँ। This is our cafeteria. This is the older cafeteria. तो हमारी मैनेजर हमें लेके आई है कैफेटेरिया में एंड सब शूट कर रहे हैं बिकॉज एवरीवन वांट्स कंटेंट। गलत शूट मत समझना। अरे सही शूट है, गलत नहीं है। तो यहाँ पे गूगल ऑफिस में क्या क्या मिलता है दैट वी विल श्योरली शो यू। बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। काकू काकू मुझे शूट कर रहा है, मैं काकू को शूट कर रही हूँ। काकू मुझे शूट कर रहा है, मैं काकू को शूट कर रही हूँ। एक सेकंड, देखते हैं यहाँ से हम क्या खाने पीने वाले हैं। गाइज मैंने तो कुछ पिया नहीं क्योंकि मेरे को कोल्ड और फीवर हो रहा था। एक बार को सोचा हॉट कॉफ़ी, बट उसका भी फिर मेरा मन नहीं था। काकू ने अपना मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क शेक ऑर्डर किया था। सब ऊपर चले गए हैं, हमें भी ऊपर जाना है क्योंकि आई गेस, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 3 बजे हाड़ी संधु भी आने वाला है। नॉट श्योर अबाउट दैट, देखते हैं ऊपर चल के। ऊपर आने के बाद वी मेट ठाकुर सिस्टर्स। ठाकुर सिस्टर्स हाय गाइस। एंड अगर आप रिकॉग्नाइज कर सको तो बताओ। एक सेवेज बंदा है, टेकीला नाम है इसका, टेकीला। एंड वी मेट कैफियंस बाय हर्षितन मुद्रे। राइट राइट, हेलो हाय। हमारी ऑडियंस बहुत खुश होगी देख के आप ही आए हो। हेलो हाय जागृति। आई एम शूटिंग सैंडविचेस एंड यू आर शूटिंग मी। ओके सो वन मोर क्रिएटर। हाय अलीना। हाय। व्हाट इज दिस? गूगल मेड हर फाइंड हर ऑफिस। गूगल मेड हर बिकॉज़ ऑफ द ड्रिल। यस एक्चुअली गूगल ने मेरे को मिसडायरेक्ट कर दिया एंड आई एम कीपिंग योर प्ले बटन हियर। यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो गई है एंड अभी कम क्रिएटर्स आए हैं और भी आएंगे। ओके गाइस, तो हमने आपको काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स दिखा दिए थे, बट जो बाद में आए थे वो हम आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट इज नहीं, ऐसा नहीं है, अभी फैमिली में जाके बताने दो, वो कहीं का अच्छा ऑफिस से मिला। सीरियसली लाइव हो क्या? नहीं लाइव नहीं है, ब्लॉगिंग। हाँ ब्लॉगिंग। एंड थैंक यू आप हमारे ब्लॉग में आए, वी लव वॉचिंग योर वीडियो। थैंक यू सो मच, योर स्टोरी वाज वेरी फनी। ब्रदर सिस्टर वाली क्या, दैट्स सैड। अभी तक भी काफ़ी लोग समझते हैं। इवन कल हमने स्टारबक्स की वीडियो डाली थी, उसमें हमारा नेम लिखा हुआ था, हम Q&A कर चुके हैं। लोग बोल रहे हैं कि ओ आपका नेम आज हमें पता चला, सृष्टि आपका नेम तो हो गया लीक हो गया, ऐसे कुछ बोला था उन्होंने, आपका नेम तो अब हमें पता चला। Q&A डाला हमने पूरा, क्योंकि वो कप पे अब लिखा हुआ नेम लिखा हुआ है, पूरा हमने डाला है। थैंक यू सो मच। इसे ज़्यादा नहीं इंग्लिश में बोलूँगी, हिंदी में ही बोलूँगी। मैं जब हिंदी में अपने वीडियो में बोलती हूँ तो कहते हैं आपको हिंदी आती है? आप पहले तो जब हमारा चैनल नहीं था हमें फॉरेनर लगते थे, यहाँ फॉरेनर लगते थे, आप यहाँ के लगते ही नहीं थे। हाँ एक बार हो चुका है मेरे साथ ऐसे, दो इंडियन लड़के मेरे आगे आगे चल रहे हैं, मेरे बारे में बात करते हैं बड़े मजे से। उनको पता नहीं लग रहा होगा, ये समझ में आ रहा है सब कुछ। इट वॉज फन। मुझे मार्केट में एक लड़की मिल गई और वो मुझे देख के ऐसे कांप रही है। मैंने कहा ठीक हो तुम? वो थोड़ी देर तक कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो कांप रही थी। वो हमें भी शौक लगा था ऐसे जब हम ऊपर थे। संदीप महेश्वरी के शो पे जैसे देखा था, माय गॉड, वो सारे यहाँ पे हैं, जिनको हम सारे सबको यूट्यूब पे देखते हैं वो सब यहीं बैठे। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, लवली मीटिंग यू गाइस। और अभी तो पूरा दिन साथ में, या बहुत बातें करेंगे। या श्योर, थैंक यू, बाय बाय। और क्रिएटर्स को भी दिखा देते हैं जल्दी से, ठाकुर सिस्टर्स ना। हाँ आपने मेरे राइस डाल दिया, थैंक यू। थैंक यू।
आपने मायने खा लिया, आप शादी में आ जाओ। खाना तो सही डाला आपने, आपको फूड ब्लॉगर से ज्यादा नॉलेज है। हम तो चीनी के साथ वो खा जाते हैं। कितना शगुन डालोगे आप? 1100 बहुत है मेरे हिसाब से। डिसाइड करेंगे खाने को, जज करेंगे पहले आराम से। ओके बता देना खाना कौन सा अच्छा, फिर हम वही वाला ट्राई करेंगे। आज टेक चैनल वाले डिसाइड करेंगे जोन सा खाना अच्छा है, हम वो वाला ट्राई करेंगे। वैसे तो हमें यहाँ पे खाना खाना चाहिए और आपको दिखाना चाहिए, बट हमें लग रहा है कि एक बारी टाइम दे दिया, जल्दी से खाना खाना खा लो क्योंकि 2 बजे ये बता रहे हैं कि सारा खाना पीना बंद हो जाएगा। और हमें इस चीज की कोई टेंशन नहीं है, हम खाना बाहर से खा लेंगे, लेकिन जो हम यहाँ पे हाय सब हमारे ब्लॉग में आ गए, आप ना बाद में आए थे तो आप हमारे ब्लॉग में आना रह गए थे। यू आर द नेक्स्ट, अगर लेना तो साथ में लेना फिर दोनों को। हाँ, नहीं मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन यू टू गाइस, आई एम सॉरी। अच्छा हम भी सिब्लिंग्स नहीं है, सब लोग कमेंट करते हैं। थैंक गॉड, हमें भी यही है, मैंने भी यही समझ लिया था। इनको भी लोग है ना सिब्लिंग्स समझ करते हैं, करते हैं। हाय वी लव वाचिंग योर वीडियोस भाई, सही में कुकिंग बहुत बहुत अच्छी करते हो। मैं आपको देख के है ना, मतलब काफ़ी सारी वीडियोस तो मैंने आपको देख के बनाई है। मैंने कहा ये बंदा ये खाने का बना रहा है, मैं कहा जल्दी से ट्राई करता हूँ, बताता हूँ। मैंने कहा हाँ देख ये मैं भी बनाऊंगा अभी। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो आप, मेरे को नहीं पता था, लेकिन इतना शर्माते भी हो। अब काफ़ी सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स जो आए थे, हमने वो आपको दिखा दिए थे, बट कुछ लेट भी देखते हैं यूट्यूब पे, मतलब काफ़ी सारे वो क्रिएटर्स कुछ लेट भी हो गए थे तो वो हम शो नहीं कर पाए थे आपको। अब हम उनको शो कर देते हैं। देखो सब बहुत मतलब बड़े वाले फैन हैं आपके, सच्ची में बहुत वीडियोस देखते हैं आपके। नहीं हम जब चेक करते हैं ना, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो क्या देखते हैं, तो उसके अंदर आपकी वीडियोस आ ही रहती हैं सबकी, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मेनली वो लोग आए हैं जिनको हम पर्सनली नहीं जानते, बट वीडियोस के थ्रू जानते हैं, और हमें मतलब काफ़ी आपका कंटेंट अच्छा लगता है, तो थैंक यू सो मच। पैनकेक चैलेंज सब बोलते हैं आपके चैनल का नेम लेके, और आप उनकी तरह पैनकेक चैलेंज की पैनकेक बनाओ, पैनकेक बनाओ। आप मुझे देख रहे हो तो ये लो आपके लिए, सर आई लव यू गाइस सो मच, मेरी तारीफ करने के लिए। मैंने कभी वो भ्रम टूट गया ना ब्रदर सिस्टर वाला। हाँ गाइस मुझे भी सेम लगा था कि दोनों भाई बहन है, मैं देख के शौक हो गई कि भाई बहन नहीं है, और पता चल गया ना सुबह 8 शाम को 8। गाइस प्लीज ये भाई बहन नहीं है। हाँ। और मुझे भी प्रमोट करो यार, ये चीज कह के बोलो नहीं है मतलब ये गाइस। सो एक्चुअली द थिंग इज पीपल हु आर ट्रूली इन लव दे स्टार्ट लुकिंग अलाइक, ऐसा होता है, उनकी स्माइल मिलने लग जाती है, उनकी शक्लें मिलने लग जाती है, सो दैट इज़ आई यू बोथ है ना, सो दैट इज़ आई यू बोथ लुक लाइक सिबलिंग्स, तो प्यार बहुत ज़्यादा है। जैसे आप बोल रहे हैं ना, मतलब मैं जब स्टार्टिंग में वीडियो देखी, जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो देखी थी ना, मेरे को लगा मैं कह यार ये थोड़े ट्विन से लग रहे हैं, लेकिन ये है कि कई बार मतलब आप है ना, मतलब स्पेक्स वगैरह लगा के और मतलब थोड़ा शक्ल वक्ल मैच करती है प्रॉपर, तो मैंने कहा मैं कहीं ट्विन्स है पक्का। पहले तो मेरे को लगा था, मैंने कहा एक ही बंदा है वो अलग अलग वीडियो, फिर जैसे ही मैंने देखा ना, फिर जैसे ही मैंने वापस देखा ना, मैंने कहा नहीं यार, मैं कहे तो दो दो जने हैं, मैं कहा वीडियो बना रहे हैं। वीडियोस आती है ना मुझे बहुत, माइक का क्या करूँ, खा जाओ ज़्यादा अच्छी लगती है, कभी मम्मा बनना कभी कुछ कोई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो वाली वीडियोस मेरे को आपकी। थैंक यू। यार मैंने बीच में कुछ बड़बड़ाया तो आई एम रियली सॉरी। कोई नहीं, वो सब दिखेगा आप हमारी ऑडियंस को कि आप कैसे बीच में बोलते हो। गाइस देखो मैं पायल टीना से मिल चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी फैमिली देखो, तो मैं अपनी लाइफ में कुछ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रही हूँ। मैं ना इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स से मिल रही हूँ, तो देख लो यार, जो भी मेरे फैमिली वाले ब्लॉग्स देखते हैं ना, मेरे घर वालों को जो बिचिंग करते हो ना आप लोग कि तुम्हारी लड़की कुछ नहीं करती है, मिलते हैं लोग देख लो यार। ओके तो सब ही कवर हो चुके हैं, ओनली कोरियन गर्ल लेफ्ट। हाय आई मीन योर व्लॉग, से हाय इन दिस व्लॉग, इन दिस व्लॉग या से हाय। हाय आई एम कोरियन गर्ल। देखो हम कोरियन गर्ल से भी मिल लिया, ठीक है। आप बहुत अच्छे से करते हो ना, ऐसे आप भी करो लाइक दिस। एंजॉय योर फूड जो हमने नहीं बनाया। जो बहुत अच्छे वाले कपल्स होते हैं ना, उनके फीचर्स मैच करने लगते हैं, ये मैंने सुना है। आप सब ना तो भाई और बहनों, मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, ये दोनों भाई बहन नहीं है, ठीक है, ये दोनों कपल है बहुत प्यारे। अच्छा आप सब लिसन एवरीवन, आप सब हमारे घर पे आए हो, हमने इनवाइट किया था, तो शगुन के पैसे भी दे के जाना। ओके ओके ना डन। Two minutes.
बहुत फास्ट स्पीड है आईफोन की एंड आई एम वेरी इंपेशेंट, तो मुझे एकदम फटाफट सब कुछ क्रिएटर होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई ये सबसे बड़ी चीज है जो क्रिएटर को आईफोन की में अच्छी होती है. एंड सेकंड कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा है. एज अ क्रिएटर इट्स द बेस्ट कैमरा. एंड यू एंड्रॉइड और आईफोन? हम दोनों पे सेम फोन है. दिखा के हम फ्री हो गए हैं और सब दोबारा से मीटिंग रूम में आ गए हैं एंड यहाँ पे कार्ड्स दिए जा रहे हैं, तो सबको सबके साथ कोलैबोरेट करने का चांस मिलेगा. तो सबको एक एक कार्ड दिया जाएगा, तो जो भी क्रिएटर का कार्ड निकलेगा, फॉर एग्जांपल हमारे साथ लीना का निकलता है तो हमें इनके साथ कोलैबोरेट करना है, तो सबको अभी कार्ड दे रहे हैं. यहाँ पे सबको मिल चुके हैं कार्ड्स एंड हमारी टर्न आने वाली है. नहीं, इस साइड यहाँ पे ना खुद ही का ही दो बार आ गया अपना. हाँ, अपना कार्ड दो बार आ गया. हाँ, इनका पता क्या है, वो हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे क्रिएट अपने आप. कोरियन गर्ल. यहाँ पे आ गई है चाय सबके लिए. जो जो पिएगा कोल्ड कॉफी किसको चाहिए? हाँ, उनको चाहिए था. बाय द वे ये एंड ये इसमें जो सामान है ये हमें गिफ्ट में मिला था, इसमें रख दो, इसमें रख दो. सर चाय यहाँ पे है और रिबूट यहाँ पे, मेरा रिबूट है. तो अभी हम सब जा रहे हैं स्टूडियो में आई गेस ना, बट वहाँ पे शूट नहीं करना, तो वहाँ पे पिक्स वगैरह क्लिक करने जा रहे हैं. सब एक साथ पिक्स क्लिक करेंगे अपने प्ले बटन्स के साथ. तो लेके नहीं आए प्ले बटन? तो सब लेके जा रहे हैं अपना प्ले बटन, हम भी लेके जा रहे हैं. वहाँ पे फिल्म शूट करना अलाउड नहीं है इसलिए सिर्फ पिक्स लेंगे. और काकू बिजी है अपनी कोल्ड ड्रिंक फिनिश करने में. वैसे तो यहाँ शूट करने के लिए मना किया था, बट सभी यहाँ पे शूट कर रहे हैं. लेट मी शो यू, यहाँ पे सब पिक्स क्लिक कर रहे हैं. पिक्स वगैरह क्लिक हो गई हैं. ये रहा हमारा प्ले बटन एंड अभी बोल रहे हैं कि हार्डी सिंधु आ चुके हैं. सो हम दोबारा से मीटिंग रूम में जा रहे हैं, वो वहाँ पे सारे क्रिएटर्स यहाँ पे हैं. इट वॉज रियली वेरी नाइस मीटिंग यू ऑल. अब जल्दी से जा रहे हैं मीटिंग रूम में ताकि वहाँ पे हम हार्डी सिंधु से मिल सकें. सो एवरी वन इज वेटिंग के अब अब पता नहीं ना वो कब. ओ वी आर लाइव, ओ माय गॉड, निखिल अपना फेस क्लीन कर रहा है. वी आर लाइव ऑन एलिनास चैनल. सब वेट कर रहे हैं कि हार्डी आएंगे अभी, और काकू ने अपना फेस क्लीन कर लिया है एंड डोंट नो वो कब तक आएंगे. 3-4 टाइम्स उन्होंने बोला है कि वो आ रहे आ रहे, बट अभी भी नहीं आया, तो पता नहीं कब आने वाले हैं. गाइस प्लीज से शनाया नहीं आए. यार ये इतना सारा क्राउड आया है लेकिन वो नहीं आए. व्हाट इज ऑल दिस? अच्छा वो यहाँ पे आ चुके हैं बट अंदर गए अभी फ्रेशन अप होने के लिए. ये मेरा मोटा वीडियो शूट कर रहा है. सब वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पे कि हार्डी संधू आएंगे. ओह माय गॉड, हेलो सर, हेलो, हाय.
सो हाड़ी संधु आ चुकी है. हेलो सर. हेलो. डिड यू सी द हेलो. ओके एवरीबॉडी इज लाफिंग. हेलो. Yeah, she's already live. So I just thought I quickly bring you in the frame with me. काफी वेट करा है बट फाइनली ही इज हियर. आ गए सर. समथिंग आल्सो. या एक्चुअली हमारा ना फूड चैनल है निक्स किचन नेम से. सो वी वांट टू आस्क के आपने कौन सा फूड ऐसा खाया जो सबसे ज्यादा वियर्ड लगा हो अब तक आपको. लाइक वियर्ड फूड कौन सा खाया आपने अब तक जो खा के दिन मतलब बेकार हो गया बिल्कुल ये क्या खा लिया. मैं ना जब हम बिजली शूट कर रहे थे सो वी वर इन रशिया. ओके. तो तब मैं एक वहाँ पे देयर इज अ रेस्टोरेंट व्हिच इज द 13th बेस्ट रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड जिसका नाम है वाइट रैबिट. मैं वहाँ गया. मैंने उनको कहा कि वो मेरे को कहते हैं आपको यू वांट समथिंग फ्रेश. मेरे को लगा कि फ्रेश बना के लाएंगे. ओके. मेरे को कच्चे स्क्विड दे दिए यार. मैं रेटिंग एयर दी सर ने वाइट रैबिट की. नहीं पर कॉकटेल्स बहुत बढ़िया थे. अच्छा सर आपका बेस्ट फूड कौन सा है जो अब तक आपने ट्राई किया मतलब जो आपको सबसे बेस्ट लगा हो. सबसे बेस्ट राइट. सबसे बेस्ट लगाओ आज तक सबसे बेस्ट तो मेरी मम्मा व्हाइट चने बनाती है उससे ऊपर आज तक मैंने कुछ नहीं खाया सर. माँ के हाथ का खाना सबसे बेस्ट होता है राइट. अच्छा आप स्ट्रीट फूड खाते हो मतलब आपको ज्यादा बेटर क्या लग रहा है. मैं आज से 10 साल पहले तक खाता था. अब नहीं खाते हो. मेरी 7-8 साल पहले तक खाता था. अब स्ट्रीट फूड बहुत कम. मैंने मेरे से पूछते हैं मेरे दोस्त मैंने टिक्की जिंदगी में 3 बार खाई होगी. बस 3 बार. 2 या 3 बार ही. गोलगप्पे मैंने 4-5 बार खाए होंगे. ये तो बहुत गलत बात है. फूड चैनल पे बोल रहे हो 4 बार गोलगप्पे खाए बस. तो अब आप डालना है इसको. Hi guys, subscribe to Next Kitchen and also watch our new song Psycho. That's on my YouTube channel. Hi Di Sandra. Thank you sir. It was nice meeting. यार इवेंट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा गया और बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी 1% भी. ये गिफ्ट मिला एंड द बैग ये व्हाइट वाला और हार्डी संधू से मिलने का मौका मिला हमें. हम ऑपोजिट जा रहे हैं गलत जा रहे हैं हमें उधर जाना है. तो ये क्यों नहीं रोक रहे हैं हमें भाई. मैं सोचूं कि इधर क्यों जाना है. गाइस हम भटक गए थे. गूगल ऑफिस इतना बड़ा है. उधर जा रहा था. हम इधर क्यों जा रहे हैं. गलत जा रहे हैं हम. से हाई टू ठाकुर सिस्टर्स. हाय बोलो ठाकुर सिस्टर्स को. आए मटे बहुत ज्यादा. बाय गाइस. मैनेजर्स गाइज हम है गूगल की लिफ्ट में एंड हम इतना ज्यादा थक चुके हैं. तो ठाकुर सिस्टर्स ने हमें बोला कि आप हमारी कार में चलो मेट्रो स्टेशन तक हम आपको छोड़ देते हैं. थैंक यू सो मच. अगर आपके व्यूवर्स ने सब्सक्राइब किया तो गाइस डू सब्सक्राइब टू हर चैनल ताकि आप लोग आधे रास्ते में किडनैप. अरे मजाक कर रहा था भाई. ऐसे आइडियाज मत दो व्यूवर्स को कुछ भी. तो आपको यार प्लीज सब्सक्राइब करना बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं जल्दी से ताकि आप लोगों के भी 1 मिलियन हो जाए और आपको भी गोल्डन प्ले बटन मिल जाए. बहुत फोमो हो रहा था आज. फाइनली हमारी कैब आ गई है. हम रिलैक्स होके बैठे हैं और बहुत टाइम से एक्चुअली ना भैया हम कैब कर रहे थे बहुत देर आधा घंटा हो गया होगा हम कैब कर रहे हैं. अपने आप लोग कैंसिल कर रहे हैं और फिर प्राइसेस हाई हो रहे हैं. गुड़गांव से दिल्ली जाने का तो रास्ता होता है. हम मेट्रो में थे बट तबीयत थोड़ी खराब है अभी और सामान बहुत ज्यादा हो गया इसलिए फिर हमने सोचा कि कैब ही बुक कर लेते हैं. सामान रख लिया आपने. हाँ जी सामान हो गया. तो मेरे तो बैक पेन कर रहा है फीवर सा हो रहा है थोड़ा कोल्ड भी और कल भी हमें इवेंट में जाना है दोबारा से. सारे लोगों से मिले बहुत ज़्यादा अच्छा नोएडा जाना है. सब लोगों से मिले काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे घर जाके. बहुत ज़्यादा थकान होगी अभी. वीडियो भी एडिट वगैरह करनी है और फ़ोन में स्पेस भी क्लियर करना है क्योंकि कल भी जाना है. फोटोज़ वीडियोज़ भी क्लिक होगी. तो मिलते हैं आपसे घर जाने के बाद. कावड़ का आज लास्ट डे है क्योंकि कल शिवरात्रि है. और ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं झंडे जा रहे. जय भोलेनाथ. ये मोटो बैठा डाकू बन के गाड़ी में भी. ये गाड़ी में चल रहा है एसी और नाक में सीधी हवा ना जाए इस वजह से मोटे ने ये लगा रखा है. और घर जाने के लिए हम हो रहे लेट. कैब के अंदर बैठे हुए हैं. बहुत ज्यादा जाम है यहाँ पे. तो
मुझे लग रहा है आज मोटू डायरेक्ट मेरे घर नहीं जा पाएगा, अपने घर जाएगा डायरेक्ट। तो आज के व्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।